usasan. Dos en el mundo. क्या भूमिका शासन वह है जो नीतियाँ बनाता है, सुशासन वह है जो नीतियों क्रियान्वयन करता है. शासन शासन एक अस्थाई है लेकिन प्रशासन स्थाई है. शासन केवल 5 साल के लिए होता है और प्रशासन सिलेक्ट हो जाने के बाद जब तक उस अपने कार्यक्षेत्र में रहता है. एक और शब्द सुशासन, वो क्या है? तो सुशासन मतलब कम से कम शासन हो और अधिक से अधिक उसमें हम सुधार दे सकें. आपका विषय लोक प्रशासन है, तो एक है नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? सर लोक प्रशासन, जो हम नव लोक प्रशासन की बात करें, भारतीय संदर्भ में ये क्यों महत्वपूर्ण है? सर जब हम शुरुआत की बात अगर की जाए तो लोक प्रशासन हमारे संदर्भ में, हमारे भारत के संदर्भ में पहले एक मेन भूमिका निभाता था नियंत्रक की, लेकिन अब जो है सुविधा प्रदायक की भूमिका में आ गया है. तो अब नव लोक प्रशासन की बात की जाती है जहाँ पर वो केवल सुविधा प्रदान करे और विकल्प उपलब्ध कराए जिससे जो जनता है वो स्वयं से अपना निर्णय ले सके. प्रशासन में अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है. दो विद्वान हुए हैं, एक का नाम है मेस्टो और दूसरे का नाम है अजबर. कहते हैं कि दोनों एक ही बात कहते हैं लेकिन तरीका अलग. तो नीड हर अर्पित थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी, कैसे दोनों एक ही बात कहते हैं अलग तरीके से कहते हैं? सर मेस्लो ने जहाँ ये बताया कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, क्यों हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, तो हस्बैंड ने उसका ये बताया कि इसकी पूर्ति कैसे होगी. जैसे कि उन्होंने बताया कि शारीरिक आवश्यकता है जैसे हमारा रहना, खाना पीना, घर, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? वेतन से होगी, नौकरी से होगी, ये बताया हस्बैंड ने. तो एक अगर कारण बता रहे थे तो उसका कैसे पूर्ति होगी ये हस्बैंड ने बताया. कितनी बार ये कॉन्फ्रेंस हुई? सम्मेलन 3 बार हुआ है और ये इस नवीन लोक प्रशासन 3 बार हुआ है कि 2 बार हुआ है? सर 3 बार हुआ है, 2002 में लास्ट हुआ है ये सब बार. एक बार सोच लीजिए. सर मैं रिमाइंड नहीं कर पा रही लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 3 बार हुआ है. मैं तो फिर चेक कर लूँगी. सर तो हनी रिपोर्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये क्या है? सर हनी प्रतिवेदन आधार बना था कि लोक प्रशासन को अब मूल्यों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए. इसने जन्म दिया था नवीन लोक प्रशासन को, इसलिए हनी प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण बना है. भारतीय संदर्भ में क्या इस रिपोर्ट का महत्व है? अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? ये बताया था कि जैसे कि हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति की बात करें, उद्योग उत्पादन अच्छे से बढ़ा लेकिन फिर उत्पादन कम होने लगा. तो टेलर ने हमें इसके कारण बताए और 4 सिद्धांत दिए कि इस प्रकार से हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं. जिनका पहला सिद्धांत था कि कार्य को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाए, जिसमें उन्होंने समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन की बात की. इनका दूसरा सिद्धांत था कि श्रमिकों को और प्रबंधकों के बीच बेहतर तालमेल और उत्तरदायित्व स्पष्ट किया जाए. इनका तीसरा सिद्धांत था श्रमिकों और कार्यों के बीच में एक बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जाए. और इनका चौथा सिद्धांत था जो कार्मिकों की भर्ती हो योग्यता के आधार पर हो. लोक प्रशासन में संसदीय समितियों की भूमिका तो रहती है. जी सर. तो दो समितियों के बारे में कहते हैं कि एक युवा बहनें हैं. जी सर. वो कौन सी समितियां हैं? संसद की समितियां जो युवा बहनें कहलाती हैं? सिर्फ लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति, इन दोनों को जुड़ा बहनों की संख्या दी जाती है. क्यों कहा जाता है? सर कंफर्म नहीं बता पा. लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सर लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के.
और ये हनुमान समिति इसमें कितने होते हैं, इसे आप ब्राह्मण समिति कहते हैं? सर इसमें 30 होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। अच्छा, इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, लोक लेखा समिति का? सर कंपनी आती है। अच्छा, और एक और समिति है लोक उद्यम समिति। यस। तो लोक उद्यम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? सर लोक उद्यम सर वैसे उसमें 22 होनी चाहिए, होती है मतलब, लेकिन इस समय कितनी है मुझे कंफर्म नहीं आती है। सब कुछ तो निश्चित है ना उसमें? हाँ सर 22 ही होती है, और उसमें भी सेम वही था जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका इसकी भूमिका क्या है? सर जितने भी सार्वजनिक उद्यम हैं उनके संदर्भ में उनका जो भी लेखा जोखा होता है उसकी रिपोर्ट बनाती है और उसे संसद के पटल पर रखवाती है। अच्छा, लोक लेखा समिति और हनुमान समिति में क्या मूलभूत अंतर है? है दोनों बड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय समितियाँ। सर लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट होती है वो आधार बनती है महा स्कैब के लिए, जो उसकी रिपोर्ट पर ही वो जांच करता है, और जो अनुमान समिति होती है वो अनुमान प्रस्तुत करती है किसी भी वित्त के मंत्रालय के जो भी होते हैं। बजट बनने के पहले या बजट बनने के बाद? बस इतना बताइए। सर ये मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, लोकपाल का भी गठन हो गया है, तो लोकपाल का जो गठन हुआ है उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? सर जो समिति बनाई गई है लोकपाल के गठन के लिए उसमें प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका है, उस समिति के सदस्य हैं वो। अच्छा, ये कितने सदस्य ये हैं जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसमें कितने अध्यक्ष? सॉरी, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष रहता है, चीफ जस्टिस सब भी है? सर याद नहीं आ रहा है। कितने सदस्य हैं इसमें? सर 4 सदस्य हैं और एक लोकपाल। 4 न्यायिक सदस्य हैं? यस सर। और 4 गैर न्यायिक सदस्य हैं? यस सर। तो ये आप बताएं लोक प्रशासन का जनक किस पर रहता है? सर वुडरो विल्सन को क्वेश्चन का जनक कहा जाता है। ये कौन थे? सर ये अमेरिकी राजनीति शास्त्र के विद्वान थे विल्सन। इन्होंने कब इस विषय के लिए कहा संस्तुत की? ये विषय तो बहुत पहले से था ना? जी सर, एक्सेप्शन नहीं आ रहा है मुझे। शून्य काल क्या? शून्य काल सर शून्य काल एक ऐसा शून्यकाल, हाँ शून्यकाल लोकसभा में प्रश्नकाल से पहले का समय होता है, मतलब शुरुआत का पहला घंटा प्रश्न फिर से सोचिए प्रश्नकाल के बाद आता है? हाँ सॉरी, प्रश्नकाल के बाद का घंटा होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं शून्यकाल। तो पहले क्या आता है? प्रश्नकाल। पहले प्रश्नकाल आता है। अच्छा, स्टार्ट पिस्टन्स और अनस्टार्ट पिस्टन्स क्या? महिला सशक्तिकरण के उपाय क्या है? सर महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले तो शिक्षा का बेहतर स्तर करना होगा हमें महिलाओं में, और उसकी उनके सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा और सुरक्षा के बाद उन्हें हम आर्थिक रूप से ऐसे अवसर प्रदान करने होंगे जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तभी वो अपने विकल्प खुद बना सकेंगे, अपना निर्णय स्वयं ले सकेंगे, और तभी हम कहेंगे महिला सशक्तिकरण। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन क्यों किया गया? सर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर देखने के लिए जांचने के लिए महिला आयोग का गठन किया गया था। कौन है अध्यक्ष इसमें? सर रेखा सिंह, श्रीमती रेखा सिंह। श्रीमती रेखा सिंह। अपने संस्कृतिकरण नाम सुना होगा कल्चराइजेशन, क्या है? सर ये प्रोफेसर एमएन श्रीनिवासन का दिया हुआ सिद्धांत है जिसमें ये कहा गया था कि संस्कृतिकरण एक ऐसी सिद्धांत है जो ये बताता है कि निम्न
जाति जब अपने से उच्च जाति के अनुसार व्यवहार करने का, उनके अनुसार रहने का प्रयास करती है, उनके सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास करती है, तो हम उसे संस्कृतिकरण की परिभाषा करते हैं। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण में कोई संबंध है? सर, पश्चिमीकरण कह सकते हैं कि जब हम जो सिद्धांत हमारे भारत में पश्चिम से आए, जो कि हम भारत ब्रिटिश द्वारा शासित थे, तो उनके जब हम उनके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश किया तो उसे हम पश्चिमीकरण कहेंगे। लेकिन जब एक ही देश में रहते हुए एक जाति दूसरी जाति का अनुसरण करती है तो वो संस्कृतिकरण होता है। क्या एक शब्द और प्रचलित है, अपसंस्कृतिकरण, मानव कल्चरलाइजेशन, ये क्या है? सॉरी सर, कथन नहीं। या कभी कभी सांस्कृतिक प्रदूषण की बात की जाती है, जी सर, ये क्या है? सर, जो संस्कृति के कुछ अपने नियम कायदे होते हैं, जब उसमें थोड़ा विचलन देखने को मिलता है या उससे हटकर व्यवहार किया जाता है तो उसे सांस्कृतिक प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। कोई प्रदेश ऐसा है जो महिला सशक्तिकरण की बुनियाद जहाँ से शुरू होती है उस दिशा में अच्छा काम कर रहा है, कौन सा प्रदेश है? क्योंकि अगर वो शुरुआत नहीं होगी तो महिला सशक्तिकरण का कोई वहां तक बाकी नहीं पहुंच पाएगी। कंफर्म तो इस समय कोई स्टेट नहीं बता पा रही हूँ, जो नहीं याद आ रहा है। कौन से देश में, अरे कौन से राज्य आपके दिमाग में आ रहे हैं? सर, मुझे तो उत्तर प्रदेश ही लग रहा है। नहीं, यहाँ तो सबसे बुरा हाल है। उसी स्टेट से आपका कोई संबंध है वैसे? सर सॉरी सर, दिस इज हरियाणा। आपने शायद स्कूलिंग हरियाणा की है। जी सर। आपने डीएवी कहाँ पर है सर? डीएवी कॉलेज। यस सर। हैं? यस सर। आपने सिर्फ डीएवी कॉलेज हरियाणा लिखा है? जी सर, यमुनानगर। तो मुझे लगा कि वो यमुनानगर हो सकता है। अभी स्पोर्ट्स में महिलाओं की बहुत उल्लेखनीय भूमिका थी। जी सर। मुख्य रूप से कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने की वैश्विक स्तर पर अपना नाम कमाया? सर, एम सी मैरी कॉम और हिमा दास। हिमा दास किस खेल से जुड़ी हैं? सर, हिमा दास रेसिंग से जुड़ी हैं, मतलब धावक हैं। और दीपा मलिक जिन्हें अभी हमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और दीपा मलिक के साथ कोई उल्लेखनीय बात है? सर, वो पैरा एथलीट से जुड़ी हुई हैं। और सर, अभी कुछ दिनों पहले ही एक पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, उसमें नाम मिस कर रही हूँ। दीपा मलिक के साथ कोई उल्लेखनीय बात है? सर, वो पैरा एथलीट से जुड़ी हुई हैं। और सर, अभी कुछ दिनों पहले ही एक पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, उसमें नाम मिस कर रही हूँ। कहाँ से हैं दीपा मलिक? और भी हरियाणा की कुछ महिलाएं जो है रेसलिंग में काफी नाम कमाए हैं। जी सर, साक्षी मलिक का नाम लिया जाता है। और पीवी सिंधु बैडमिंटन में एक यूपी का आदमी भी एक सिविल सर्वेंट है, बड़ा उसने गोल्ड मेडल लिया हुआ है आईएएस अफसर, और वो इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सुहास है भाई। यस सर। राइट। एक आईपीएस महिला है, परोटा मोहन, में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। सर, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। इस समय भारत में किन किन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं? सर, इस समय सिर्फ पश्चिम बंगाल में है सुश्री ममता बनर्जी जी, बाकी अभी किसी भी राज्य में नहीं। दो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है महिलाओं का भी स्वर्गवास हुआ जी सर, हाल में दो तीन महीने के अंदर। कौन कौन? सर, तो श्रीमती सुषमा स्वराज जी। वो कहाँ की मुख्यमंत्री जी? सर, ये नहीं याद आ रहा है। और सुश्री जयललिता जी का भी निधन हुआ है। नहीं, ये तो बहुत पहले हो गया था, हाल में। और दोनों एक ही स्टेट की थी मुख्यमंत्री, एक का नाम आपने बताया, दूसरा भी उसी राज्य से जुड़ा है। सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी। यस सर। और श्रीमती शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। श्रीमती सरोजिनी नायडू। वर्तमान राज्यपाल कौन है? सर, आनंदीबेन, श्रीमती आनंदी पटेल। पहले क्या रह चुकी हैं? सर, ये गुजरात की राज्यपाल थी। राज्यपाल के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ सॉरी सर,
आपने एक महिला डीजीपी जो भी हाल में एक्सपायर कर गई, बहुत जल्दी मरी, उनकी अपनी बहन उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके पुलिस सर्विस से जुड़ी हुई, उस पर एक सीरियल बनाया था और बड़ा चर्चित सीरियल था, आपने आप बता सकते हैं? सर शायद आप उड़ान सीरियल की बात कर रहे हैं? उड़ान सीरियल की बात? हाँ, उड़ान। उड़ान किसके जीवन से जुड़ा था? सर इनका नाम अभी वो कविता चौधरी ने उसको बनाया था, उनकी बहन जो भट्टाचार्य मैडम अभी हाल में वो एक्सपायर कर गई, डीजीपी उत्तराखंड भी रह चुके हैं। कंचन भट्टाचार्य। अच्छा ये बताइए कि आप कोई ऐसी बुक आपने अपनी जिंदगी में पढ़ी हो जो आप जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया, जिसे आप नाम बता सकते हैं? सर ए पी जे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। यस सर। हैं, क्या खास बात है उसमें? सर उसमें उनका जो संघर्ष मुझे देखने को मिला वो मुझे हमेशा प्रेरित करता है कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने पेपर भी बेचे उसके बाद भी, वो जब उनका वो मुझे सबसे अच्छा लगा था जब विक्रम साराभाई के ऑफिस में फर्स्ट टाइम गए थे, उनका वो वर्णन करना और उनका संघर्ष मुझे हमेशा प्रेरित करता है। सर जो उसमें कई कविताएं भी लिखी, अगर आपको ध्यान आ रहा था पढ़ा हो। सर इस समय तो मुझे याद नहीं, काफ़ी दिन पहले पढ़ी, लेकिन उसमें कई कविताएं भी लिखा है। चंद्रयान दो से एक नाम जुड़ा है, प्रमुख नाम है, उनको ए पी जे अब्दुल कलाम नंबर दो कहा जा रहा है, कौन है? मुखिया है जो चंद्रयान अभियान से जुड़ा संस्था है। चंद्रयान दो की स्थिति क्या है? सर चंद्रयान दो इस समय लैंडर विक्रम से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और जैसे कि दिन गुजरते जा रहे हैं, उनको 14 दिन का समय था उनके पास, तो शायद अब संभावना धीरे कम होती जा रही है। क्या कैसे पता चला कि ये बचा हुआ है अभी? सर ऑर्बिटर जो उसके चारों तरफ घूम रहा है उसने एक इमेज भेजी थी जिसके थ्रू पता चला कि लैंडर विक्रम अभी भी। कौन सी इमेज थी? हाँ सर लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। कितना खर्चा आया था इसको? सर इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपये, मतलब 950 करोड़ से ऊपर का खर्चा था। तो इसको आप क्या समझ रहे हैं कि स्टेट मतलब कंट्री का लॉस है या कंट्री के लिए कोई? सर ये कम हमारी कंट्री के लिए गेन है कि चंद्रयान में जहाँ चंद्रयान टू जहाँ पहुँचा है, चंद्र की वो स्थिति दक्षिणी भाग, दक्षिणी ध्रुव जहाँ अभी तक कोई भी देश नहीं पहुँचा था, तो हमने वहाँ जाकर भले अब सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहे हों लेकिन हमारा विक्रम वहाँ तक पहुँचा है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत पहला देश बन गया वहाँ ये काम करने वाला, तो एक सफलता है सर। अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप इसको ये प्रूव कर दीजिए किसी घटना से या किसी एक लाइन को कह के कि ये जो चंद्रयान वहाँ जाके और एक्सीडेंटल बन गया वो नुकसान नहीं है इससे, एक लाइन में कहना जीवन से जोड़ के या देश के जीवन से जोड़ के कोई एक लाइन करनी है, कैसे कहेंगे हर हादसा? सर प्रत्येक असफलता सफलता के लिए अगला कदम होती है। हर हादसा जिंदगी को या अगले पड़ाव को शानदार बनाने का खूबसूरत मौका है और ये मौका किसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस घटना के बाद एक स्टेटमेंट दिया, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है विज्ञान को लेकर के। सर उसका थीम यही था कि हारना नहीं चाहिए, लेकिन उसका स्टेटमेंट मुझे कंफर्म पूरा उस तरह से नहीं आता। उनका विज्ञान में प्रयोग होते हैं, असफलता असफलता नहीं होती है। इस समय जो देश का स्लोगन है प्रधानमंत्री ने दिया, होता दिया है सर सबका साथ सबका विकास, नहीं उसके देश का जो स्लोगन सबका साथ सबका विकास तो पीछे छूट गया, उसके बाद और दे दिया उसमें एक और जुड़ा है सबका विश्वास, सबका विश्वास, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये दोनों चीजें। देश की वित्त मंत्री कौन है सर? इसमें श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं हमारी। इसके पहले वो क्या रह चुकी थी? सर इससे पहले वो हमारी रक्षा मंत्री थी। देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति इस समय है?
सर, इस समय हमारा आर्थिक स्लो डाउन है, छोटा हो रहा है, कि जो पिछली तिमाहियों में हमारी जो जीडीपी दर थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे इस समय जीडीपी दर 5.5% है। अच्छा, इसके और दुष्परिणाम क्या होते हैं सर? इससे स्लो डाउन से जैसे मांग में कमी देखी जा रही है, आर्थिक अर्थव्यवस्था में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, तो जनता के पास इसका रोजगार से भी कोई संबंध है? हाँ सर, इससे जैसे जब मांग घटती है तो उत्पादन घट जाता है, उत्पादन घटने से रोजगार में कमी आ जाती है। एक फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई एक छोटी सी फिल्म आई है हाल में, मैंने आपने सुना उसके बारे में? क्या नाम है? आर्टिकल 15। कौन है उसके सर? आयुष्मान खुराना। देखा? हैव यू सीन? यस सर। हैं? यस सर। अभी आपने कहा था कि हम फिल्म नहीं देख सकते, फिर आपने भी आपने कहा कि इसे बहुत चर्चित फिल्म थी और इससे जुड़ी हुई थी, इसे जरूर देखना, मस्ट वॉच। आर्टिकल 325 किस चीज से जुड़ी हुई है? 325 अभी फिल्म देखा है तो उतना तो कम से कम प्रॉब्लम क्या सर? ये अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ मुद्दा था, भेदभाव से, छुआछूत से जुड़ा हुआ मुद्दा। आर्टिकल 325 नहीं, एकदम एग्जैक्ट याद आ रहा मुझे। क्या अल्पसंख्यक आयोग जो है किसी दूसरे कमीशन को कोई डायरेक्शन दे सकता है किसी काम को नहीं करने के लिए? रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? विधि का शासन। सर, विधि का शासन का अर्थ है कि जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी कार्य होंगे, वो विधि, जो विधि द्वारा लिखित है उसके अनुसार ही किया जाएगा। ये तो आपने केवल शाब्दिक एनालिसिस नहीं है, विधि का शासन और न्याय का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ जस्टिस, दोनों भी किसी आप ठीक मानते हैं। भारत में क्या चल रहा है? रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ जस्टिस? और कोई आपके प्रेफरेंस क्या है? सर, जब एक ये पद एक ही है लेकिन जब वो रेवेन्यू से रिलेटेड कार्य करता है तब वो डिप्टी कलेक्टर होता है, और जब वो डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य करता है तो वो एसएसटी की भूमिका में आ जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति एसडीएम भी होता है और डिप्टी कलेक्टर भी होता है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट हो रहा है डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो रहा है, मुख्य कार्य क्या है? जिसका मुख्य कार्य दोनों पर ध्यान देना ही होता है। रेवेन्यू कलेक्शन ही सबसे मुख्य काम है या डेवलपमेंट से जुड़ा? क्यों बनना चाहती हैं आप डिप्टी कलेक्टर? पर्सनालिटी तो आपकी जो है पीपीएस में अच्छी है। सर, डिप्टी कलेक्टर सर ये हायरार्की में सबसे सर्वोच्च पद है, इसलिए है, और ऊपर से सर ये जितने विविधतापूर्ण क्षेत्रों में कार्य करता है और इसके बाद जो पावर है उससे लगता है कि मैं इस पद पर जाना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए आप ज़्यादा अच्छा काम एक डिप्टी कलेक्टर होकर कर सकती हैं या डिप्टी एसपी होकर? सर, दोनों की अलग अलग आयाम है, दोनों ही बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है मैं डिप्टी कलेक्टर बनके ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकती हूँ। आप किसी डिप्टी एसपी को आदेश दे सकती हैं? सर, एज ए एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर तो जो कानून प्रशासन है वो डिप्टी एसपी के पास है, लेकिन अगर ऐसा कोई विषय आता है जहाँ पर कानून से संबंधित विषय पर आदेश देना हो या अनुरोध करना हो तो किया जा सकता है। जो अधिकारी उनकी बात मानेंगे, आदेश मानेंगे, तो उनसे ऊपर वाले का आदेश मानेंगे? सर, इमीडिएट जो ऊपर है उनका आदेश माना जाएगा। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? डीएम साहब आ रहे हैं। सर, अगर एडीएम साहब ने मुझे आदेश दिया तो उसका पालन किया जाएगा पहले, लेकिन मैं ये भी देखूंगी कि आदेश मना क्यों किया जा रहा है, उसके क्या कारण है, अगर वो
सिर्फ मेरे कार्य को रोकने के लिए किया जा रहा है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन अगर उसमें कुछ तार्किक तर्क दिखते हैं मुझे तो मैं उसके विषय में बात करूँगी उनसे। किससे बात करूँगी? सर अपने इमीडिएट अधिकारी से, एडीएम से। जी सर। आप बात करेंगे, सर आप ये कह रहे हैं, डीएम साहब कह रहे हैं इसको ना करो। जी सर। अब आप बताएं कि क्या करें। सर एक छोटा सा सवाल हमारा बताइए, कई बार जो करप्शन है इसके बारे में हम बहुत बातें करते हैं, ट्रांसपेरेंसी कुछ चीज़ें ऐसी जिनको ब्रॉड लाइट की तरह दिख रही हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान में 14 लाख टन दूध का उत्पादन और खपत 64 लाख टन, ये कहाँ से आ रहा है? ये जो गैप इतना फासला है और हम कहते हैं कि करप्शन बहुत मिनिमम होना चाहिए, गुड गवर्नेंस, बिल्कुल बिल्कुल ब्रॉड लाइन सबको दिख रहा है कि 14 लाख टन हमारा प्रोडक्शन मिल कर और खपत जो है 64 लाख टन हो रही है। इसमें कोई शर्का नहीं कि हाँ करप्शन है, लेकिन आप सिर्फ इस मुद्दे पर बताइए, ये अगर मान लीजिए आपको ये डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई अफसर वाली पोस्ट की भी होगी उसमें है, चलिए एनी अगर मान लीजिए आप एस डी एम ए हो गए और आपको ये मुद्दा आपके सामने आया कि साहब वो जो है बहुत एडिटेटेड दूध मिल रहा है, सारा मार्केट पटा पड़ा है, जितने भी पॉलिथिन में जो आज दूध आ रहे हैं डिफरेंट ब्रांड से, ये सब लोग लाइट्स हैं इंदिरा और ये वो डाल दूंगे इस तरह बना करके, तो ये कितना है मतलब नुकसानदेह हो सकता है इसका अंदाजा बता सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या एक्शन आपको? सर पहले सबसे पहले तो जितना भी एक्स्ट्रा दूध है ऐसा है उसकी मैं जाँच करवाऊँगी वहाँ पर, और जो भी इमीडिएट ऑफिसर है इस कार्य के लिए उस पर जाँच का आदेश दिया जाएगा और उस पर बात। क्या आपको लगता है कि अब तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई अवसर पैदा नहीं हुआ, आप पहले अवसर बन में जा रही हैं जो जांच का आदेश देंगे और इसको रिमूव करवा देंगे? नहीं सर ऐसा होता ऐसा तो नहीं है कि 14 लाख टन और 64 लाख टन के बीच का जो फासला है उसको दूर करने के लिए किसी ने नहीं सोचा होगा? जरूर सोचा होगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा इसमें कि कुछ हुआ, क्यों ऐसा लग रहा आपको, क्यों ऐसा नहीं हो रहा? कोई तो अवसर हो, किसी का ध्यान तो जाना चाहिए। प्रयास भी हुए होंगे लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो फिर प्रयास तो करना ही पड़ेगा और फिर से जांच करनी ही पड़ेगी। और सिर्फ दूध एक ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में जिसको हम कंप्लीट फूड कहते हैं, अगर आप वो किसी को देते हैं तो उसके बाद आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, जिसमें सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग। ठीक है, तमाम जो महिलाएँ हैं वो स्कूल की बच्चियों एनीमिया से ग्रसित और इसको लेके एक कंपेन चला है जिस ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा एनीमिया बोले, आपका क्या ख्याल है एनीमिया की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है, तमाम स्कूलों में आयरन की गोलियाँ बांटी जा रही हैं बच्चों को, बच्चियों को कोई बताइए। जी सर ये जैसे शुरुआत के जो वर्ष होते हैं बच्चों के उसमें कुपोषण की शिकार बच्चों के लिए ये समस्या अधिक बढ़ जाती है, उसके बाद अगर कोई महिला गर्भवती है और वो अगर एनीमिक है तो उसके होने वाले बच्चे को भी एनीमिक हो सकती है, तो इसलिए समस्या दिख रही है। तो इसके लिए जैसे अभी देखा जाए कि सरकार की तरफ से किशोरियों के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, आयरन की गोलियाँ हैं, टैबलेट्स हैं और किशोरी पोषण योजना समथिंग एक हौसला अभियान चलाया गया है, सर ऐसे कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जो इससे निपटने का कार्य कर रही हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट में कोई चार्ज इस तरह का मिल जाता है सैनिटेशन से जुड़ा हुआ जो आपको देखना है तो पहले स्टेप क्या होगा, पहले आप क्या कर क्या डायरेक्शन देंगे, क्या एफर्ट करेंगे, क्या आर्डर पास करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हूँ उस डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न में कुछ आप डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड के बारे में आप सब डिवीज़न में सर जिस भी तहसील में मेरा सिलेक्शन होगा उस तहसील सबसे पहले मैं जानूँ कि इस समस्या की स्थिति क्या है, कितनी किशोरियाँ हैं और कितनी किशोरियाँ समस्या से ग्रसित हैं, इसकी शुरुआत आप कहाँ से, तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके और फिर उसमें देखूँ कि कहाँ मैं इसमें और अच्छी सुझाव। आप इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, फ्रॉम वेयर विल मेक योर स्टार्ट, शुरुआत कहाँ से करेंगे?
किस जगह से वो चुनावी जहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे? सर, ये जो प्राइमरी स्तर पे चलता है आंगनबाड़ी कार्यक्रम, वहीं से इसकी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़।